Good morning student, welcome to Gyan Jyoti online classes for standard 5th computer. I am Sonapurva Sav, your computer teacher. So student, हम chapter 1 से लेकर chapter 7 तक जो भी हमारा chapter था हम सब खत्म कर दिए थे. इस class में आज exercise के बारे में हम discussion करेंगे. Exercise का जितने भी सब question है उसका आज answer दिखेंगे. तो तुम लोग जाते हो हम class में क्या करते हैं, जहाँ पे book में space रहता है उसको लिखते हैं और क्वेश्चन आंसर को हम कॉपी में लिखते हैं, कंप्यूटर नोट में लिखते हैं. ऊपर में क्वेश्चन रहता है, इसके नीचे में आंसर रहता है. तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं. आज हमें उसका एक्सरसाइज करना है. तो पहला हमारा ए में क्या दिया है, ट्रू और फॉल्स. जो सही रहेगा, जो स्टेटमेंट सही रहेगा उसमें हम ट्रू लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत रहेगा तो उसमें हम फॉल्स लिखेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेपियर्स बोन्स वेयर यूज्ड टू परफॉर्म डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, जो नेपियर्स बोन्स है, जो डिवाइस है, वहां पे हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं. तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू. वैसे ही हम डिफिकल्ट कैलकुलेशन या डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट कार्ड्स वेयर यूज टू इनपुट डाटा इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. उसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट जनरेशन हुआ था, ओके, उसमें हम फर्स्ट कार्ड यूज करते हैं जो कि इनपुट डाटा यूज होता है. तो पहले हम लोग जानते हैं, मैं तुम लोगों को पॉइंट के हिसाब से दिखा देती. तो फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट कार्ड हुआ था जो कि यूज हो रहा था हमारा इनपुट डाटा. तो यह हमारा आंसर ट्रू है, यानी यह हमारा स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट हम नंबर 3 पर जाते हैं, एज कंप्यूटर्स बिकेम मोर डेवलप्ड देयर साइज डिक्रीज. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आई कि कंप्यूटर जो क्या होता है, जो डेवलप हुआ है उसका साइज डिक्रीज हुआ है. आप जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, पोस्ट कार्ड था. जैसे ही सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो डिक्रीज हुआ कि नहीं, तो इसीलिए यह हमारा क्या आंसर होगा, ट्रू होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर यूज्ड इन होम्स एंड स्कूल्स. जो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था क्या हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है. क्या था फर्स्ट कार्ड, ये दिया है क्वेश्चन, ये जो कंप्यूटर्स हुआ था वो होम्स एंड स्कूल में यूज होता है. तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट होगा, क्योंकि जो हमारा फिफ्थ जनरेशन में आया था वो ही हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, दैट मीन्स अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करें वो ही हमारा होम्स एंड स्कूल्स में यूज होता है. तो यह हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पर, वैक्यूम ट्यूब्स वेयर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. तो ये स्टेटमेंट में दिया है, जो ये वैक्यूम ट्यूब से वो रिप्लेस होके हमारा क्या हो गया, ट्रांजिस्टर में आ गया, रिप्लेस हो गया. तो यह हमारा सही है. ओके, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. और एक बार बोलना चाहूंगी, तुम लोग का लिखा है ट्रू और फॉल्स लिखा है, ऐसे नहीं कि सबकर में उसको हम टी लिखेंगे, नहीं तो फॉल्स लिखेंगे. हमारा क्वेश्चन में क्या है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको पूरा लिखेंगे स्पेलिंग के साथ, और जो फॉल्स है उसको भी लिखेंगे पूरा स्पेलिंग के साथ. इसीलिए तुम लोग सबकर में मत लिखना. और एक बार बोलना चाहूंगी, बुक में है इसलिए ये तुम लोग को डर का बुक में ही करना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं बी पर. बी में क्वेश्चन क्या रहा है, नंबर 1 पे, गैस वेयर फर्स्ट यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. तो यहाँ पे दो तो ऑप्शन दिया है, ये दो तो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन जो कि हमारा पहला यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में, पहला आता है प्रिंटर, सेकंड आता है मॉनिटर. तो हमारा आंसर क्या होगा, मॉनिटर. क्यों होगा, क्योंकि प्रिंटर्स हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है. तो यह हमारा मॉनिटर है जो पहला यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में. तो स्टूडेंट, और एक बार बोलना चाहूंगी, तो ये दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन के ऊपर में क्या करना है, टिक करना है, जैसे मैं टिक की हूँ. और एक बार यहाँ पे क्या क्या है, ब्लैंक किया है, जो भी हमारा आंसर होगा यहाँ से हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखी. ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे जो हम टिक किए, ऐसे नहीं कि हम इस साइड में टिक कर दिए ये ब्लैंक को छोड़ देंगे, ऐसे नहीं है. जो हमारा सही आंसर है उसमें टिक करेंगे, और यहाँ से ब्लैंक से आए उसको हम फिल अप करेंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, कंप्यूटर
चाहिए था, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रिसिटी ले, मगर जब हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, रिप्लेस हो गया, वहां पे क्या हो गया हमारा, ऑफ लेस इलेक्ट्रिसिटी, उसका मतलब कम चाहिए। पहला जनरेशन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होता था और सेकेंड जनरेशन में जो आ गया ट्रांजिस्टर, वहां पे कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक थे उसमें हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैं टिक की हूँ, टिक करने के बाद में यहाँ पे क्या की हूँ, एग्जाम्स में लिखी हूँ। ईच गैस हैज मेनी ट्रांजिस्टर, किसका है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये वाला बहुत इजी है, इंटीग्रेटेड सर्किट का बहुत क्या है, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, देयर जनरेशन कंप्यूटर्स हैव माइक्रोप्रोसेसर, तो कौन सा जनरेशन था कि उसका क्या था, जो डिवाइस बनाता, तो ये क्या माइक्रोप्रोसेसर था, तो ये हमारा कौन सा जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। तो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को बता दी हूँ कैसे करना है, यहाँ पे तुम लोग को जो ट्रू है उसको पूरा फुल लिखना है, जो फॉल्स है उसको फुल लिखना है, इसे सबकट में लिखना नहीं है, ये जो जितना भी मैं ब्लैकबोर्ड में की हूँ सबको बुक में करना है, जब मैं बोलूंगी उसको कॉपी में करना है तब तुम कॉपी में करना, ये बुक में स्पेस दिया है इसीलिए ये क्या करना है, ये सबको बुक में करना है। ओके, तो तुम लोग क्या करना, वीडियो को वॉच करके अच्छे से क्या करना, बुक में अच्छी गुड हैंडराइटिंग से इसको लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट ए एंड बी भी खत्म हो गया है, सी भी करते हैं, तो सी भी का क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तीन तो ऑप्शन दिया है, तीन तो ऑप्शन से जो हमारा ऑप्शन सही है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो क्या है पहला क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट जनरेशन टू हैव कंप्यूटर विद चिप, कौन सा जनरेशन है जो हमारा पहला जनरेशन है, has been developed as fifth generation technology. तो ये
करते थे, तो कौन किए थे? हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? चार्ल्स बैबेज। ओके, मैं यहाँ पे लिखी हूँ चार्ल्स बैबेज। और ये जो हमारा देश फर्स्ट कल है वो नहीं किए थे, वो क्या के किए थे? वाशिंगटन किए थे, हम पढ़ चुके हैं। और गॉडफ्रेड विलियम बोनी बिस वो क्या किए थे? डेटमार्क किए थे। इसीलिए हमारा आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। क्विज ऑफ दिस जनरेशन हैड द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, तो कौन सा जनरेशन में सबसे छोटा कंप्यूटर था? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? फोर्थ होगा। ओके, व्हिच ऑफ दिस वाज नॉट ए फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, ये तीन ऑप्शन से कौन सा वाला फीचर नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन का है? कौन सा है? पहला ऑप्शन है यूज्ड बेकिंग ट्यूब्स, यूज्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, हीटेड और एयर। तो तीनों से कौन सा होगा? जो ये फर्स्ट जनरेशन में जो आया था हमारा वैक्यूम ट्यूब आया था, उसमें से कौन सा वाला फीचर नहीं है? तो ये वाला क्या होगा? यूजलेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारा फर्स्ट जनरेशन में जो डेवलप हुआ था उसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज करने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यूजलेस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन में नहीं था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फाइव नंबर का, यूजलेस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सिक्स नंबर में जाते हैं, व्हिच ऑफ दीज कुड बी यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, तो ये जो तीन ठो दिया है ऑप्शन, ये तीन ठो ऑप्शन से कौन सा वाला ऑप्शन जहाँ पे दो ठो यूज होता है? इनपुट भी हम कर सकते हैं उसमें, कुछ टाइप कर सकते हैं जैसे डाटा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं, जैसे हम जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा दिए हैं उसमें हम देख भी सकते हैं। तो कौन सा होगा? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में तुम लोग जानते हो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, सेम हम कीबोर्ड में इनपुट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है माउस, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में हमारा पंच कार्ड, तो ये हमारा पंच कार्ड जो कि बोथ होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो हमारा आंसर क्या है? पंच कार्ड। ओके, सेवन नंबर, पिक द डिवाइस दैट कैन पंच, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन से ये जो तीन ऑप्शन से कौन सा वाला ऑप्शन पहला डेवलप हुआ है? तो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, नेपियर फोन, स्ट्रेट नेटवर्क, एनालिटिकल। तो हम ये पहले जानते हैं जो आवाज आया था उसके बाद क्या आया था हमारा? नेपियर फोन आया था। ओके, तो ये जो हमारा डेवलप हुआ था तो पहले आवाज के बाद नेपियर फोन हुआ था, तो हमारा आंसर क्या होगा? नेपियर फोन। सेकेंड में स्टेप रखना नहीं होगा क्योंकि वो डेवलप किए थे वो, और एनालिटिकल इंजिन भी वो भी नहीं होगा। ओके, हमारा एट नंबर क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, जो हमारा थर्ड जनरेशन हुआ था वो कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारा क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में ये हमारा जनरेशन है, थर्ड जनरेशन ये हमारा यूज नहीं हो रहा था। तो हमारा आंसर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो स्टूडेंट ये वीडियो को वॉच करके क्या करना है? बुक में ही टिक करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये बुक में ही करो। तो स्टूडेंट्स हमारा एबीसी बी हो गया है, बी भी करते हैं मैच लिखा है। तो यहाँ पे एक साइड में दिया है, जैसे हम सेक्शन है, इस साइड का सेक्शन है, नहीं बी सेक्शन का है, तो जो हमारा मैच हो रहा है, जो हमारा आंसर एक मैच हो रहा है उसको हम मैच करेंगे। तो पहले पहला क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगी, नंबर वन का पॉन्च कार्ड, तो पॉन्च कार्ड का क्या होगा? बोथ इनपुट एंड आउटपुट, उसका मतलब है पॉन्च कार्ड से हम बोथ इनपुट भी कर सकते हैं एंड आउटपुट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हम लोग बुक में ही करना है। ओके, बीड्स ऑन बेड, तो हमारा कौन सा वाला बीड से जहाँ पे बैड है हम ऑब्वियसली जानते हैं आवाज में। ओके, नेक्स्ट आता है गियर, ये भी बहुत इजी है, गियर्स का यूज करते हैं स्टेप रेटनर। ओके, फोर्थ में हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था? हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था हमारा? कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है माइक्रोप्रोसेसर, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? जो कि हम सीपीयू के अंदर में यूज करते हैं, एंड्रॉइड सीपीयू एंड नॉन है सिंगल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका, तो ये हमारा पूरा एंटायर सीपीयू है एंड सिंगल इंटीग्रेटेड।
The Vaseline and the Stay Thickener used here. तो कौन सा दिन जो टोटो डिवाइस है वासरलीन एंड स्टे थिकनर जहां पे क्या होता है यूज होता है गियर यूज होता है ओके द वासरलीन वाज मेड बाय ब्लेस पास्कल तो वासरलीन कौन बनाए हैं ब्लेस पास्कल एंड ओके द स्टे थिकनर वाज मेड बाय गॉट गॉट फ्रेंड विलियम मोले द वासरलीन बनाए हैं ब्लेस पास्कल एंड पहला कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकंड
उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड ए माइक्रोप्रोसेसर। ओके, पहले भी लिखा है एक सीपीयू के प्लेस में एक सिंगल स्मॉल चिप था, वो आईसी है, उसको बोलते हैं माइक्रोप्रोसेसर। जो हमारा क्या है, फोर्थ जनरेशन में है। दिस ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर, आल्सो मेड इट मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जो हम थर्ड जनरेशन में यूज कर रहे थे वो थोड़ा स्लो था। जैसे ही क्या होता है, जनरेशन डेवलप होकर जाता है, नेक्स्ट जनरेशन आता है, वो क्या होता है, थोड़ा जल्दी होता है। वैसे हिसाब से हमारा फोर्थ जनरेशन में क्या होता है वहां पे, इट मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जो भी हम काम कर रहे हैं वो फास्टर हो रहा है और एफिशिएंट हो रहा है। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, द कंप्यूटर्स वेर मोर पावरफुल एंड कुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर टू फ्रॉम नेटवर्क। पहला में लिखा है कंप्यूटर है बहुत पावरफुल है एंड ये जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है वो क्या होता है, टू ईच अदर फ्रॉम नेटवर्क। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ईच नेटवर्क कनेक्ट होता है। दिस पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट। इसीलिए हमारा इंटरनेट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हुआ है। जैसे हमारा मोबाइल में नेटवर्क भी होने से क्या होता है, हम इंटरनेट यूज भी कर सकते हैं। वैसे ही ये क्या होता है, टू ईच अदर नेटवर्क कनेक्शन के हिसाब से हमारा इंटरनेट क्या हो गया है, क्रिएशन हो गया, इंटरनेट बन गया है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज, ओके थर्ड पॉइंट इज, द कंप्यूटर्स बिगिन टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट हैड आइकॉन्स एंड विंडोज लाइक विंडोज। ये जो हमारा कंप्यूटर बिगन हुआ है, कंप्यूटर जो स्टार्ट करते हैं, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते हैं, तो उसमें से हमारा आइकॉन एंड मेनूज हमारा विंडोज की में सिस्टम में शो करता है। तो स्टूडेंट, यह हमारा ठीक हुआ क्वेश्चन था। मैं साइड हो जाती हूँ, वीडियो को वॉच करना और आराम से कॉपी में लिखना है। तो स्टूडेंट, हमें वहाँ पे स्पेस नहीं था, ब्लैक बोर्ड में इसलिए 5-6 अलग लिखी हूँ। ओके, तो 5 का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, वो क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है जो कि कंप्यूटर क्या करता है, डिसीजन लेता है, जैसे हमारे जैसा। ओके, वो होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर का, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर व्हाट। पहला लिखना है हमें हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। हम लोग जानते हैं चार्ल्स हाफिस इज वन साइडेड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, व्हाई डू हम चार्ल्स हाफिस को कंप्यूटर का फादर बोलते हैं, बिकॉज ही डेवलप्ड द एटेकस, ही डेवलप्ड द एनालिटिकल इंजन, ए मैकेनिकल डिवाइस दैट कुड बी प्रोग्राम लाइक ए कंप्यूटर। तो क्यों उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि वो एक डेवलप किए थे एनालिटिकल इंजन जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है वैसे ही वो प्रोग्राम होता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर, वो भी आ गए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर को ही सिर्फ कॉपी में करना है, बुक में करना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एफ बी पर। एफ बी में क्या दिया है, लुक एट द टाइम लाइन ऑन पेज 9 एंड आंसर दिस। हमारा टाइम लाइन दिया है जो हमारा पेज 9 पर है, उसको देख के ये फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है, उसको हमें सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीडीज वर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर डीवीडीज टू आवर फर्स्ट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सीडी डीवीडी से पहला हुआ था, तो क्या हमारा आंसर होगा ट्रू। तो तुम लोग ये चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ये हमारा पेज नंबर 9 में है। ओके, टाइम टाइम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हुई केम फर्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल एक हमारा हार्ड डिस्क आया था या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आया था, तो पहला क्या आया था, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981। तो कौन सा हमारा ओएस है जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1981 में, तो कौन सा हुआ था, एमएस डॉस। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच डाटा डिड द फर्स्ट क्लास ड्राइव स्टोर। ओके, हाउ मच डाटा, कितना डाटा स्टोर हो सकता है, अप टू 8 एमबी।